हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रीति। सो आज हम लोग कोलकाता से जा रहे हैं द जगन्नाथ धाम पुरी। अभी हम लोग हैं वेस्ट बंगाल के शालीमार स्टेशन में। सो लेट्स एक्सप्लोर पुरी। अभी हम लोग शालीमार स्टेशन के अंदर में है, तो हमारा ट्रेन भी आ चुका है प्लेटफॉर्म में। अभी भी काफ़ी टाइम है, अंदर में क्लीनिंग वगैरह चल रहा है, बट पूरा स्टेशन अंधेरा है। स्टेशन में अभी पावर कट है तो कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ पूरा अंधेरा छाया हुआ है। आज हम लोग पुरी जा रहे हैं ट्रेन से, शालीमार स्टेशन से। सो हमारा ट्रेन है जगन्नाथ एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18409। शालीमार स्टेशन हावड़ा के शिवपुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से हर रोज पुरी जाने के लिए 6 से 7 ट्रेन आपको मिल जाएगी। पहला ट्रेन छूटता है सुबह 9:15 में और लास्ट ट्रेन है रात का 11:15 में। तो आज हम लोग एक 9 जन का ग्रुप, फैमिली ग्रुप मिलके हम लोग जा रहे हैं पुरी। तो हम लोग आज एसी 3 टायर बुक किए हैं और पर हेड हमारा प्राइस पड़ा टिकट का 850 करके। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। शालीमार स्टेशन से पुरी जंक्शन का डिस्टेंस है 518 किलोमीटर, जो आज हम लोग तय करेंगे 9:30 में। हमारा ट्रेन एकदम राइट टाइम में था, 7:05 में, और कल सुबह 4:30 पुरी जंक्शन में हमें पहुंचा देंगे। अभी बज रहे हैं रात के 9:10 और अभी हम लोग खड़गपुर पहुंच गए हैं। पुरी पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन है आपका ट्रेन। आपको हर एक छोटे बड़े शहर से आपको पुरी जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगे। अगर आपके शहर से पुरी जंक्शन जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आपको भुवनेश्वर तक का ट्रेन मिल जाएगी। फिर आप भुवनेश्वर से बस या ट्रेन करके पुरी पहुँच सकते हैं। बेसिकली पुरी का डिस्टेंस है आपका भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर। मैक्सिमम आपको 2 घंटा टाइम लगेगा भुवनेश्वर से पुरी पहुंचने में। ट्रेन में कोई पैंट्री कार्ड नहीं है, बट डिफरेंट आपका फोकस अलग अलग स्टेशन में चलेंगे कि आपको अगर रात का डिनर चाहिए तो उनका आपको रात का डिनर अवेलेबल कर देंगे। तो अभी हम लोगों का रात का खाना आ चुका है। हम लोग आज ट्रेन से ही अपना खाना ऑर्डर किए थे, तो हम लोग जहाँ से ऑर्डर किए थे वहाँ पे अवेलेबल था चिकन थाली, एग थाली और वेज थाली।
चिकन थाली का प्राइस है 150, एक थाली का प्राइस है आपका 130 एंड वेज थाली का है आपका 110। चलिए देखते हैं कि चिकन थाली में उन्होंने क्या क्या दिया है। चिकन है, एक आलू का सब्जी है, दाल है, सलाद है और दो रोटी है और चावल। जो हम लोग ट्रेन से खाना लिए थे वो एकदम खराब था, खा नहीं पाए। सो हम अपने व्यूअर्स को कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप लोग अगर पैंट्री कार्ट नहीं है ट्रेन में तो प्लीज़ यहाँ से खाना ऑर्डर मत कीजिए, अपने घर से खाना कैरी कीजिएगा। हम लोग जो भी थोड़ा बहुत घर से लेके आए थे हम लोग आज रात को वही खाए। जो खाना हम लोग ऑर्डर दिए थे, जो हमें दिया था चिकन थाली, वो हम लोग नहीं खा पाए क्योंकि सब्जी जो है वो पूरा सर गया था एंड टेस्ट बहुत ही घटिया था। तो हम लोगों को पूरा प्लेट पकड़ के फेंक देना पड़ा डस्टबिन में। फीटर एसी में बेडिंग में आपका 2 बेडशीट और 1 पिलो देते हैं। टॉवल अभी कोविड के बाद नहीं दे रहे हैं। चलिए अभी हम लोग बेड कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग पुरी पहुंच गए हैं। हम लोग का यहाँ पे 4:30 बजे ट्रेन में उतरने का टाइम था बट हमारा ट्रेन बिफोर टाइम ही 10 मिनट्स पहले हम लोग 4:20 में ही यहाँ पहुँचा दिया है। तो चलिए हम लोग अभी स्टेशन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमें अपना होटल जाने के लिए क्या मिलता है। लेट्स गो। पूरी स्टेशन से निकलने के बाद ही सामने में आपको यहाँ रिक्शा, ऑटो, फिर आपको यहाँ गाड़ी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मैजिक गाड़ी वगैरह। यहाँ पे ऑटो का चार्जेस है आपका 200 करके पर ऑटो, रिजर्व करके आपको पूरी पहुँचा देंगे आपके होटल तक। और आपका यहाँ पे मैजिक गाड़ी वगैरह है जिसमें आपका आराम से 9-10 जन जा सकते हैं, तो इसका भी आपका 200-250 ऐसा पर गाड़ी का चार्ज है। तो चलिए हम लोग यहाँ से 2 ऑटो बुक किए हैं जो हमारा आपका 400 रुपीज पड़ रहा है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने होटल के तरफ। फ्लाइट में आने के लिए आप अपने शहर से, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में, आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ से आप बाय ट्रेन या बाय बस या बाय प्राइवेट कार से आप पूरी पहुँच सकते हैं। बस से पहुँचने के लिए आपको भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आपको बरमुंडा बस स्टैंड भुवनेश्वर में जो है वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। वहाँ से आपका 100 रुपया है पूरी पहुँचने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली आपका वही 2 घंटा में भुवनेश्वर से आराम से आपको पूरी पहुँचा देंगे बाय बस। और आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से कोई भी प्राइवेट गाड़ी भी बुक करके जा सकते हैं। सो आज का वीडियो इतना तक ही। आगे अभी और एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं, होटल्स का डिटेल्स, साइट सीन, जगन्नाथ धाम का डिटेल्स। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड हंसते रहिए। थैंक यू।